मैंने ऑर्डर किया स्विगी से, टीप जोमेटो की आई है। प्लेन पड़ा हुआ है, जेट व्हीकल क्रैश हो गया था। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। सो टाइम हो रहा है 2 PM एंड जस्ट मैं अभी भी नहा कर आया हूँ, और इस वक्त हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो नहाते वक्त मेरी जान निकल गई क्योंकि जो टैंकी होती है ना, वाटर टैंक, वो होता है बिल्कुल छत पे, एंड छत पे तो भाई साहब धूप आ रही है, एंड धूप की वजह से जो टैंक की जो हालत हो रखी है ना, वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया पानी उसके अंदर का, अब क्या बोलूँ। अब आपने कैसे कल के व्लॉग तो देखा ही होगा, कल के व्लॉग में मैंने रखी थी अपने फ्रिज में कॉफ़ी ब्रू होने के लिए, सो मैंने रखी थी 12 घंटे के लिए होने के लिए ब्रू, बट अब उसको हो चुके हैं 24 घंटे। सो जाके वो वाली कॉफ़ी पीता हूँ मैं निकाल के फ्रिज से, एंड आज का व्लॉग होने वाला है प्लेन के बारे में, एंड उससे पहले वेल सो विच गाइज एम व्लॉग्स बैक हियर। जल्दी वीडियो को लाइक करो, वीडियो को एंजॉय करो, क्योंकि RC प्लेन के बारे में होने वाला है अगेन, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है। तो कॉफी निकालने से पहले मेरा आ चुका है लंच, तो जल्दी से लंच लेता हूँ मैं, ठीक है। वैसे भैया यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, शिट, चलो जल्दी चलते हैं। सो मेरी कॉफ़ी मैंने रखी थी इसके अंदर, ठीक है, होपफुली कल तो पूरा पानी था, एंड मैं देखता हूँ, मैं पहले से पहले इसको टेस्ट करूँगा। ओके मैंने निकाल ली, ओके सो पूरी ब्लैक हो चुकी है, दैट मीन्स की कॉफ़ी हो चुकी है रेडी। तो अब इसको मैं निकालता हूँ ग्लास में, इसमें आइस डालता हूँ, इसको पीते हैं। तो इसमें मैंने डाल ली है, इसमें मैंने देखो ग्लास से मैंने इसमें छान ली है, ठीक है, मैं देखता हूँ कि कैसे इसका टेस्ट होता है। जस्ट द वे आई लाइक इट, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, नो शुगर एंड नो मिल्क, बहुत सही है टेस्ट, बहुत सही। सो मेरा यहाँ पे आ चुका है सैंडविच, जो कि स्पिनिच एंड कॉर्न सैंडविच। मेरे को एक चीज़ में आज तक समझ नहीं आई, मैंने ऑर्डर किया स्विगी से, टीप जोमेटो की आई है, मेरे को समझ नहीं आता है कभी भी ये चक्कर क्या होता है, मतलब अगर स्विगी से करूँगा जोमेटो की आएगी, जोमेटो से करूँगा स्विगी की आएगी, अगर ऊबर ईट से करूँगा फिर स्विगी की आएगी, मतलब मेरे को समझ नहीं आता क्या जोमेटो वाला टेप फ्री में देते हैं। गाइस टाइम हो रहा है 6:05 PM, एंड गाइस जो मेरा प्लेन था वो वे भी ने पूरा ठीक कर दिया, एंड वे भी निकल गए अपने घर से, एंड होपफुली आज वो प्लेन ना वो क्रैश ना हो। तो मेरे जो पूरा बैग है मेरे पीछे, उसमें पूरा सामान वगैरह भरा हुआ है प्लेन का, एंड गाइस जगह वो कल क्रैश हुआ था ना, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और बेसिकली पता क्या चीज़ है, जो जो प्लेन है ना, उसको कम से कम चाहिए बहुत लंबा रनवे टेक ऑफ करने के लिए, एंड गाइस वो इंडिया में पॉसिबल नहीं होगी, जो रोड्स हैं उनमें गड्ढे वगैरह होते हैं, सो उसकी वजह से जो मेरा कल प्लेन था वो पूरा स्टॉल हो गया था, वो कल क्रैश हो गया था, एंड होपफुली आज ना हो। तो वे भी निकल गए अपने घर से, उन्होंने जो पूरा प्लेन है गाड़ी में भर लिया है, एंड देखते हैं होपफुली कि आज क्रैश ना हो। सो होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ लोग मिलाता हूँ वैभव भी ऐसे। सो गाइस अभी आ चुके हैं यहाँ पे फैट बाइकर वैभव भाई, प्लेन पड़ा हुआ है जेट, क्योंकि कल क्रैश हो गया था, बट अब वो दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली दिक्कत पता है क्या हो रही है, जो प्लेन है ना कल उसको मैंने उड़ाया बिल्कुल सही तरीके से, अब उसके जब उसको रनवे की जरूरत है ना, वो हमको उसको दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसको हमसे कम चाहिए 200 मीटर लंबा रनवे, बहुत लंबा चाहिए, उसकी स्पीड भी हाई चाहिए। मैंने यूट्यूब पूरी वीडियोज देखी है, अब हमको डर ये लग रहा है इस वक्त कि टेक ऑफ तो बहुत सही होगा, लेकिन जब लैंडिंग करेंगे ना बहुत खतरनाक होने वाली, इसकी 80 की स्पीड पर लैंडिंग करनी पड़ती है। पता है बेसिकली, क्योंकि वो जो प्लेन है ना, इसमें आपका अगर हमारा जो पुराने वाला प्लेन था उसमें क्या होता था कि लैंडिंग समझ नहीं आ रही, थोड़ा जीरो कर दो कोई दिक्कत नहीं, इसमें अगर मैं थोड़ा जीरो कर दिया ऐसे करेगा, और फ्लाइट स्टेबलाइजर लगा दिया मैंने, लेकिन वो एलिवेटर में नहीं लगाया। आप स्टेबलाइजर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कि ऐसा मेरा पुराने वाला प्लेन था, उसमें अगर मैं प्लेन को लेफ्ट करूंगा तो उसमें अगर मेरे को समझ नहीं आता, वो हो जाता था अपने आप राइट, और उसको मैं ऊपर खींचूंगा तो हो जाता था अपने आप सीधा, बट इसमें आपने लगा दिया स्टेबलाइजर, एक तरह से एक्रो मोड अगर यहीं छोड़ दो यहीं रहेगा, यहीं छोड़ दो तो यहीं रहेगा, लेकिन वो ठीक करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। एंड हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे रेसिंग ड्रोन के ऊपर भी, है ना भाई। अब यार देखो बेसिकली पता क्या चीज़ है कि अगर एक चीज़ हमें से घूम गई तो ये है कि हम हार नहीं मानते, नहीं अब नया लेते हैं हम। एंड आप लोग मेरे को बोलते हो कि सीट बेल्ट नहीं पहनता, सीट बेल्ट मैंने देख लो पहन रखी है, मेरी थार में सीट बेल्ट ही नहीं है, नहीं मैं इसको पहनवाता हूँ इसमें क्योंकि इसमें बीप मारता है वरना ये मेरी जो ब्रेजर ना, मैंने हुक लगा रखा है, ओए यार यहाँ मत लगा दियो आवाज नहीं कर इसकी मेकअप भी बहुत जल्दी एक्सपोज करने वाले हैं, देख लो डैश कैम, ये इसी के सीक्रेट रिकॉर्डिंग आई हुई है, देखो वो घूम रहा है, रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा कुछ उसमें, हो रहा है बंद हो रहा है, बंद है ऑन है, स्क्रीन ऑफ है, बहुत सही भाई बहुत सही, सीक्रेट रिकॉर्डिंग। सेवा निकल रहा है हमारा फाइटर प्लेन, एकदम रियल लगता है भाई, F-18 हॉर्नेट, इसको मैं रफाइल बोलता था, इसका सीन वही है जो आपने मैं बताया था टेप पे, देखो जरा इस पे यार। तो अभी हमने इसमें क्या मॉडिफिकेशन करी है वो जरा बताओ एक बार। इसमें तो एक तो मैनुअल मोड आता है कि सीधा रिसीवर लगाओ, इसमें प्लग एंड प्ले होता है, ओके, लेकिन मैंने अभी वाइस का ये स्टेबलाइजर लगाया है, ठीक है, जो कि रिसीवर से कनेक्ट कर रहा है, बहुत ही दिमाग खराब हुआ वायरिंग करने में, करके कि क्या उसका है, लेफ्ट करके लेफ्ट राइट करके लेफ्ट राइट करके, अगर ये एयर में है ना, हाँ जी, तो ये देख जैसे मैं इसको करूँगा ये देख,
अपने आप को सेल्फ बैलेंस करता है। तो भी ये बेसिकली बहुत ज़्यादा फायदा है इसके अंदर, ये अपने आपको सेल्फ बैलेंस कर लेगा, कुछ भी हो जाएगा लेकिन ऊपर नीचे का नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत हो गई है कि वो फ्लैप्स उल्टे हो गए थे इसमें, क्योंकि स्टेबलाइजर इस मॉडल के हिसाब से नहीं है, तो मैं नीचे और ऊपर का फीचर बंद कर चुका हूँ। ठीक है, वो देखो रिमोट से कुछ मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, लैंडिंग है, लैंडिंग का देखना पड़ेगा भाई, बहुत खतरनाक होगी। चलो फिर क्रैश हो गया है, पीछे की फिन टूट गई है, रिपेयर तो मैं कर दूंगा, कुछ नहीं बोलेगा इस बार। बैटरी का बहुत गंदा वाला जलते हुए बच गया ये बैटरी लिटरली। ओके, पुरानी बैटरी वाली वीडियो देखी होगी जो इसने इम्प्लोड करी थी, छोटी सी बैटरी कैसे एक्सप्लोड हो गई थी, एंड ये अगर हो जाती ना तो खत्म था पूरा प्लेन, यहाँ फायर ब्रिगेड आ जाती। गाइस अभी आ चुका हूँ मैं कार पे, एंड यहाँ पे फंसा हुआ जाम है फिलहाल, तो एंड जो मेरा प्लेन है दोबारा क्रैश हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे कैसा सुविनियर, इसको लगा के बस छोड़ देंगे, अब उड़ाएंगे नहीं कि एक टाइम पे ही उड़ता था। और अब एक और चीज़ गाइस, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, इसमें उसको नेक्स्ट मॉडिफाई करूँगा पूरे प्लेन को, एंड होपफुली कि देखते कि क्या होता है। बेसिकली आज दोबारा से क्रैश हो गया यार, लिटरली कॉन्कॉर्ड बना हुआ कॉन्कॉर्ड खराब हो गया, वो क्रैश ही होता रहता भाई वो। अच्छा वो है फाइटर जेट? नहीं नहीं पैसेंजर लाइन फास्ट वाला भाई, ये बनता मेरे को बना ऐसे नाम यूज़ करता है, पर असल है भाई मेरे को नाम का पता है, मतलब ही नहीं पता, और मैं ऐसी कंट्रोवर्सी बढ़ जाऊँ कुछ पता भी ना हो। नहीं ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, और वैसे भी इन्होंने आज डैश कैम रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मेरे को एक्सपोज करने के लिए। हाँ देख लो भाई देख लो, कहाँ से होने वाला, दिखाओ वो रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो अगर कोई भी का गाड़ी में बैठा ना फैट वगैरह गाड़ी में, तो प्लीज़ कुछ फालतू बात मत करना, किसी के भी बारे में बात मत करना या किसी के लिए बात मत करना, क्योंकि अगर एक्सपोज एक बार उन्होंने करना तो कर देंगे। अब तो हो गया तेरा, अब क्या, मैं तो कुछ बोला ही नहीं भाई। एंड मैं भी, मेरा नया कैमरा मैन है, बहुत मारूंगा मैं तेरे को, सिर्फ दे दे के मारूंगा। अच्छा भैया मीटअप का, मीटअप करोगे फिर आप, मेरे को कमेंट कर लेंगे, कर लेंगे। आप बताओ कब करना है मीटअप, करो जब करना है तब करो। इनका मीटअप बताओ कैसे होता है, रात के 12 यार एक्चुअली सीन क्या हो रहा है कि यार अभी मैं बताता हूँ इनकी बात क्या होती है। इनकी मम्मा आती है, मम्मा अभी शूटिंग करने जा रहा हूँ, आज संडे है तो सुबह सुबह शूटिंग करने आता हूँ इंडिया गेट, तो वो साइकिल जिसको मिलना होता है संडे आ जाते हैं है ना, क्योंकि इनके परमानेंट लोकेशन है इंडिया गेट संडे को। ठीक है, अगर आपको मेरे फर्दर अपडेट चाहिए तो मैं कर सकते हो फॉलो इंस्टाग्राम पे, आपको स्क्रीन पे आईडी दिख रही होगी। चलो गाइस यही थी आज की वीडियो मेरे आरसी प्लेन की दोबारा से क्रैश होने की, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, क्योंकि क्रैश तो हुआ ही है, तो मेरे को पता आप लोगों को अच्छी तरह लगी होगी, बट स्टिल मैंने अपना बेस्ट दिया, एंड देखता हूँ कि मैं और वीडियो नहीं लाऊंगा आरसी प्लेन की। तो भाई अभी हमारे साथ में हर्षिल है, भाई अभी वैसे हुआ क्या था प्लेन के साथ, तुमको क्या लगता है वीडियो, तुमको वीडियो दिखाई प्लेन के साथ? मुझे तो यही लग रहा है कि उसके मतलब कंट्रोल्स रिवर्स किए हुए थे, रिवर्स नहीं करे हुए कुछ भी, रिवर्स नहीं किए हुए थे बस, में हमने स्टेबलाइजर लगाया था वही, और मैंने देखने के बाद ही समझ आया, मैंने देखा नहीं तो आइडिया है नहीं। चलो थैंक यू भाई मेरा काम करने के लिए, मैं कुछ काम कर रहा है जो कि आपको बताऊंगा मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर, क्योंकि उस चीज़ को मैं अभी करना चाहता रही। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।